अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, QS Employees TV में खुश आमदी। दोस्तों, विफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन के लिए नई हुकूमत की जानब से एक बड़ी शानदार अपडेट है, जिसकी तफसील आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को आज की इस खबर की मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हवाले से अपडेट होगी सबसे पहले आप दोस्तों को बर वक्त मिलती रहेगी। तफसीलात के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने सूबे के तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 35% इजाफा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सरकारी मुलाजमीन को मुनासिब रिलीफ दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे मुलाजमीन थे जिनको ये इजाफा मुस्तफीद नहीं हुआ था। बजट के बाद तनख्वाह में ये इजाफा मुनासिब होने ना होने पर सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज भी हुए थे। इसी तरह जैसे ही नए वज़ीर आज़म के आते ही उसने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 35% इजाफे के हिसाब से जिन मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया था उनकी तनख्वाह में 1 सितंबर से इजाफा नाफिजुल अमल होगा। तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के वो मुलाजमीन जिनको इजाफा नहीं मिला था उनकी बुनियादी तनख्वाह का 35% इजाफा मिलेगा। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन को रनिंग बुनियादी तनख्वाह का 30% इजाफा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।